आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते। केवल मद में जन्मने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं, तब इसमें क्या अधिक रोना। जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है। उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्व स्वयं मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंद भाग भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में, बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। उनमें पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य कर्मी का ही काम है। यहां तक हमने पिछले दिनों में पाठ कर लिया था। आज केवल इसलिए क्योंकि दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से लेकर इन 30वें श्लोक तक आत्मा का वर्णन है, और जो हम सबके साथ अनिवार्य नियम के अंतर्गत इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानी का सुख अथवा दुख यहीं से आरंभ होता है। अर्जुन का यही प्रश्न था, अगर जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन मात्र हैं तो फिर सुख और दुख है क्या? अज्ञान में
दुख है, ज्ञानवंत होने में सुख है। इन्हीं श्लोकों में आत्मा का स्वरूप अमृत है, वह सत स्वरूप है, ना वह जन्म लेता है ना वह मृत्यु है, उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर का परिवर्तन अवश्य होगा, यहां तक कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता है, परंतु नियम है इस शरीर का ढलते चले जाना, शक्तिविहीन होते चले जाना, आंखों की रोशनी, दांतों का, अंदर का जो भगवान का बनाया हुआ वह सिस्टम है, ये सारा कमजोर होता जाएगा, बोधा होता चला जाएगा। अब कोई मरना तो नहीं चाहता, मान लो भगवान उसकी ये बात मान ले, 1000 वर्ष आयु मिल जाए, आंखें काम ना करें, पाचन शक्ति उसकी ना हो, अपने आप उठ बैठ ना सके, यह कई बार मरने से भी बढ़कर दुखदाई हो जाएगा। ऐसा जीवन श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं उतनी देर ही अपने इस धाम में रहूंगा, शरीर में रहूंगा, जब तक अपना काम आप कर पाऊंगा। जिस दिन मैंने देखा कि अब मैं शरीर बोधा हो गया, अब मैं अपना काम नहीं कर सकता, तो मैं अपने शरीर से अलग हो जाऊंगा। 98 वर्ष की आयु तक स्वामी जी महाराज अपनी शेव आप किया करते थे। एक दिन इतना हाथ कांप रहा था, तब तो ऐसे रेजर भी नहीं हुआ करते थे जो आज के टाइम में आ चुके हैं, तो वह दोनों साइड पर ब्लेड जो हुआ करता उसी को रेजर में डाल के वह शेव किया करते, तो महाराज के कट लग गया था। तब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पास में श्री स्वामी जी महाराज की शेव की थी, तब स्वामी जी महाराज ने परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को संबोधन करके हुए कहा, प्रेम अब मेरा जाने का समय आ गया, क्योंकि महाराज ने कहा था जब तक मैं अपना काम आप कर पाऊंगा तब तक मैं इस धाम में रहूंगा। तो ये जो अनिवार्य नियम है, कम से कम जो सत्संग में आते हैं, महाराज की शरण में आते हैं, उन्हें बहुत व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, उसको उनको ज्ञानवंत होना चाहिए। जो ये शरीर मिला था, इसका कारण था, इसका आदि आरंभ था, इसका अंत होना ही है, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, सभी गए हैं, एक नहीं तो मेरे साथ या हमारे परिवार के साथ कौन सी नई बात हुई है। कोई नई बात हो तो मानव जाने अब रह जाती है छोटी आयु अथवा बड़ी आयु, यहां पर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है कि वह छोटी आयु में क्यों चला गया, ये मानव देह क्यों प्राप्त हुई है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तेरे पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध कर्म देनी लेनी चुकता करना है तूने, जो परिवार में पुत्र पुत्री प्राप्त हुए, पिता माता प्राप्त हुए, ये तेरा जो उन आत्माओं के साथ लेना देना पूरा करना है, जब वह पूरा होगा, चाहे अल्प आयु में चाहे वृद्ध अवस्था में, तो यह ज्ञानवंत तो होना ही चाहिए कि यह जो मुझे शरीर मिला है मुझे कर्म भोगने के लिए मिला है, यह जीव ये शरीर कर्म भोगने के लिए मिला है, वह भोगना पड़ेगा, अच्छा अथवा बुरा, अच्छे कर्म किए हैं अच्छा, बुरा कर्म किया है वो बुरा। अब अल्प आयु में पुत्र पुत्री के रूप में चला गया, हालांकि हमारे शास्त्रों में इसको बहुत हीनता माना गया, परंतु
वह जो नियम है उस आत्मा का परिवार में आना, आपके द्वारा उसकी जो सेवा करना, उसका पालन पोषण करना, जो छूट चुका था तुम्हारा पिछले जन्मों में, वह पूर्ण नहीं किया था, केवल उतनी अवधि मिलेगी, उसका उतना ही साथ मिलेगा, उतना ही सहयोग मिलेगा जब तुम अपना कार्य पूर्ण कर दोगे। एक दफा किसी व्यक्ति ने पूज्य पिता से प्रार्थना की कि ये जो संतान प्राप्त हुई है ये ठीक नहीं है, इसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, आप कृपा करो भगवान इसको ले जावे। पिताजी, जो बात सत होती उसको कहने में कदापि संकोच ना करते। गुरु महाराज की कृपा से जान जाया करते कि यह जो सहयोग मिला है इनको, यह इनके प्रारब्ध कर्म का कारण है। एक बार बात सुन ली उन्होंने, फिर आप कृपा करो भगवान इसको ले जाए। राम नाम जपना, परमेश्वर कृपा करेंगे। उन्होंने तीसरी बार कह दिया, आवेश में कहा, क्या समझते हो मुझे, जन्म मृत्यु मेरे हाथ में है? आपके पाप कर्म इतने हैं, जब तक इसकी सेवा नहीं करोगे वे कटेंगे नहीं। यह जीव जो तुम्हारे घर पे आया है, यह प्रारब्ध कर्म का, अब इसकी जितनी सेवा कर सकते हो अपने कर्म काट लो। इसको पहले भेजकर और बोझल बनना चाहते हो? कर्मों की गति गहरी है। आप ये कह रहे हो ये चली जाए, आप अपने बाकी परिवार के सदस्यों को देखो,